सर आप भी आ गए पहले वाले चीफ के श्रद्धा इधर और वो मिस्टर बेन जिनकी पहले वो फिर मैं करूंगी पहले आप करिए सर माफ कीजिए by herself, and she has written 8 books in Hindi, and there is a mastery over her Hindi. She is a social worker, and above all, she is a very good human being. She becomes so friendly in no time, and there is no ego, nothing. She is a chairperson of Loda Foundation, and she is doing a lot of social work. In one function, she called me. Mahavish Swami birth, this thing, in Loda complex, this big hall. So she called me and I went there. There was no space to move. So I just gave card to that security fellow and I told him I could not come. There was no space to move, a chock-a-block. And that is what her friends and followers are. So I'm very much thankful to her for coming here without any nakhra. No ego, nothing. नहीं मैं नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी ऐसा कुछ नहीं सी सर अच्छा देवानी कितने बजे आना है बस दैट्स ऑल एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट हर वेरी 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 ह्यूमन सबसे पहले तो मैं देवयानी जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आप जैसे इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का सुअवसर प्रदान किया कहते हैं कि कला हमारे जीवन की रचनात्मक ऊर्जा के प्रतीक है और इसके बिना जो जीवन जीने की कल्पना करते हैं वो स्वाभाविक रूप से जड़ता के शिकार हो जाते हैं कला को देखने की ललक और समझ हमारी प्रारंभिक सोच और समझ की प्रक्रिया है कई बार हम चित्र देखते हैं लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता है हमें लगता है कि ये क्या सिर पैर है इसका लेकिन चित्रों को देखने के लिए हमें ध्यान और एकाग्रता चाहिए उसे रूबरू होने की हमें आवश्यकता है और जब हमारे मन का संस्पर्श चित्र से जुड़ जाता है तो हमारी सारी जटिलता का हल भी मिल जाता है कहते हैं कि कुछ तेरा हुस्न भी है सादा मासूम बहुत कुछ मेरा रंग भी शामिल है तस्वीर में तेरी
कि जो भी इस तस्वीर को देखेगा कह उठेगा वाह क्या बात है. तो देवयानी जी और बेंद्रे जी की जो आज हमने यहाँ पर चित्रकला देखी, इनकी मेहनत, अथक मेहनत का जो ये सामने हमारे सामने आया है, उसका हम कह सकते हैं कि उसका कोई और मिसाल नहीं दे सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है. उसी तरह से हमारा जीवन भी है, ऐसा ही है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा जीवन भी कोरे कैनवास की तरह होता है, जिसे हम अपने सामर्थ्य के रंगों और चयन की कुंची से रंगते हैं. और जब हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं तब हमारा वो चित्र या तो एक बहुमूल्य कृति बन जाता है या एक मामूली सी उटपटांग सी आड़ी तिरछी लकीरें खींची गई, वही तय करता है कि हमने हमारे जीवन को कैसे जिया. तो ये तो इनके तो रग रग में चित्रकला बसी हुई है, तो इनका जीवन तो ऐसे ही बहुमूल्य हो गया, इनके जीते जी बहुमूल्य हो गया. तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और नए नए शिखरों को छूते रहें. धन्यवाद.